प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है पाठशाला में। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस्ड। ठीक है, ये चैप्टर हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है, लेकिन वो था वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें एडवांस्ड वर्ड ऐड कर दिया है, इसका मतलब कि इसमें हम कुछ नई एडवांस चीजें सीखेंगे। ठीक है, बेसिक सी चीजें हमने सीख ली, इसमें हम एडवांस चीजें सीखने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ एक चीजें उसी चैप्टर की होंगी और फिर बाद में इसमें एडवांस ही लेवल की आपको चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएस वर्ड? एमएस वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस की फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर का प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसको किसने बनाया है? दैट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी। इट अलाउ अस टू टाइप, एडिट, सेव, अप्लाई स्पेशल इफेक्ट्स एक्सेट्रा ऑन वर्ड्स। अब हमें ये क्या अलाउ करता है कि हम टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्पेशल इफेक्ट ऑन वर्ड्स, शब्दों के ऊपर। ठीक है, इट इज वाइडली यूज बाय कंपनीज, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डिपार्टमेंट। अब इसका जो विस्तृत स्तर पर, एक बहुत बड़े स्तर पर इसका जो इस्तेमाल किया जाता है, वो कंपनीज के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। अब कुल मिला के बोला जाए तो हर एक डिपार्टमेंट द्वारा इसका यूज किया जा रहा है। स्कूल में हम भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कॉपी बुक छप रही है, उसमें मटेरियल जो टाइप कर रहे हैं वो सारा वर्ड के अंदर लिख रहे हैं, है ना। न्यूज़पेपर छप रहे हैं, अखबारें छप रही हैं, सारा मटेरियल एमएस वर्ड के अंदर ही टाइप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको ज्यादा यूज किया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट क्या है? शब्दों की कला क्या है? राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट वर्ड आर्ट, और स्टेप लिखें वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के। वर्ड आर्ट इज ए फीचर, वर्ड आर्ट एक फीचर है, एक विशेषता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, टू ट्रांसफर टेक्स्ट इनटू ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कि हम शब्दों को, टेक्स्ट को, जो कुछ भी लिखें उसे किसी ड्राइंग ऑब्जेक्ट, किसी ड्रॉ करने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर सके, ऐड कर सके, एंड अप्लाई स्पेशल इफेक्ट ऑन द टेक्स्ट, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ नए इफेक्ट, खास इफेक्ट जो है उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर पाए। ठीक है, अब इसके जो स्टेप्स हैं वो दिए हुए हैं वर्ड आर्ट को इंसर्ट करने के। सबसे पहला स्टेप है क्लिक ऑन इंसर्ट। हम क्या करेंगे? इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वर्ड आर्ट। ठीक है, नाउ चूज द स्टाइल एंड क्लिक ऑन योर चॉइस। उसके बाद हम स्टाइल चूज करेंगे और अपनी चॉइस, अपनी जो भी हमारी पसंद है उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। एंटर द टेक्स्ट, और टेक्स्ट एंटर करेंगे उसके अंदर, क्लिक ओके। ठीक है, आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं यहां पे करके। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करने के लिए आपको पता ही है तरीका। यहां पे मैंने लिखा वर्ड, मैं यहां पे आ गया वर्ड 2013 है हमारे पास। यहां पे स्कूल में 2007 भी इंस्टॉल है हमारे पास, है ना। 2013 में देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे हम इंसर्ट टैब में। ठीक है, लिखा था ना वहां पे कि क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, उसके बाद जाएंगे हम वर्ड आर्ट ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ये है हमारे पास स्टाइल्स। ये सिलेक्ट कर लिया हमने एक स्टाइल, ये देखो ये ऑब्जेक्ट हो गया ड्रॉ, इसके अंदर हम कर देंगे टेक्स्ट इंटर। जैसे यहाँ पे लिखा जी एस कक्कड़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अमीर, ओके, ये होगी हमारी वर्ड आर्ट इंसर्ट। अब जरूरी नहीं है, बोल रहे हैं कि इसके ऊपर हम स्पेशल इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये देखो इसका कलर, जरूरी नहीं कि यही रखना है, हम होम टैब में जाकर इसका कलर भी बदल सकते हैं। ठीक है, इसके स्टाइल्स बदल सकते हैं, यानी कि तरह तरह के स्पेशल इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, स्टाइल्स अपना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वही अपनाना है, और भी स्टाइल्स हैं, बहुत सारे स्टाइल्स, वो आपको पता है कैसे ऐड करने हैं, ये देखो। ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज क्लिप आर्ट? क्लिप आर्ट क्या है? राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, और क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के स्टेप लिखें। क्लिप आर्ट इज ए फीचर, क्लिप आर्ट भी एक विशेषता है, दैट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बिल्ट इन पिक्चर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी, जो हमें बहुत सारी बनी बनाई पिक्चर्स जो है वो प्रोवाइड करवाती है, उपलब्ध करवाती है लगभग ऑलमोस्ट लगभग एवरी कैटेगरी, लगभग हर एक कैटेगरी की, ठीक है, हर एक श्रेणी की, कैटेगरी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रेणी की, ठीक है। क्लिप आर्ट इज ए फीचर, एक विशेषता है, दैट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ बिल्ट इन पिक्चर, जो हमें उपलब्ध करवाती है बिल्ट इन पहले से बनी बनाई पिक्चर्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी, हर एक श्रेणी की। स्टेप टू इंसर्ट क्लिप आर्ट, अब यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के। नाउ क्लिक ऑन पिक्चर ऑफ योर चॉइस, ये क्या करेंगे, अब क्लिप आर्ट पे यानी कि इंसर्ट टैब पे जाएंगे, वहां पे क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलेगी। देखो 2007 में तो बाहर ही है बर्ड आर्ट की तरह ऑप्शन, लेकिन ये जो 2013 है यहाँ पे हमें ऑनलाइन पिक्चर की ऑप्शन है, वहां से जाके हम क्लिप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ क्लिक ऑन पिक्चर ऑफ योर चॉइस, उसके बाद हम अपनी चॉइस की पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, द सिलेक्टेड पिक्चर विल बी इंसर्टेड, और जो भी पिक्चर हमने सेलेक्ट की होगी वो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये हमने लिखा था यहाँ पे, अब यहाँ पे हम डाल देते हैं क्लिप, जाएंगे हम इंसर्ट टैब पे। अब देखो ना यहाँ पे वर्ड आर्ट बाहर ही दिया हुआ है, क्लिप आर्ट वाली ऑप्शन जो है 2007 में इसकी तरह सेम बाहर ही दी हुई है, लेकिन यहाँ पे कहाँ दी हुई है, ऑनलाइन पिक्चर्स, यहाँ से हम पिक्चर, यहाँ से हम क्लिप्स डाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे कार्टून क्लिप्स, ये हमें ढूंढ के दे देगा बहुत सारी क्लिप्स, है ना। ये देखो आगे हमारे पास तरह तरह की कार्टून की पिक्चर्स हैं, क्लिप्स हैं, जो हमें अच्छी लगती है वो हम डाल सकते हैं, जैसे ये डालने तो क्लिक सेलेक्ट किया देन इंसर्ट, ये देखो ये आगे हमारे पास क्लिप, तो इस तरह से हम क्लिप्स भी डाल सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही टॉपिक काफी था, क्लिप कैसे डालते हैं, वर्ड आर्ट कैसे डालते हैं। कल हम नए कॉन्सेप्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद, जय हिमाचल।